21 वर्ष, वेरी गुड, 21 वर्ष गांधी जी अफ्रीका में बिता रहे हैं, वेरी गुड। 1915 में ये आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक घटना और अभी सेट करूंगा थोड़ी देर बताने के बाद, ठीक। अच्छा ये बताइए, गांधी जी सबसे पहले भारत में आए हैं, सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए हैं? बहुत मारेंगे। पिछले पिछले संडे क्लास चली थी, मैंने बताया था गांधी जी बीच में एक बार आए थे, फिर कलकत्ता अधिवेशन में गए थे, फिर बाथरूम साफ किए थे, याद? 1901 में किए थे। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, गांधी जी सबसे पहले पब्लिक को भाषण कहाँ दे रहे हैं? बनारस में। बनारस में BHU की स्थापना हो रही है, आपको याद होगा मैंने पिछले संडे को बताया था, एनी बेसेंट जो है उसकी अध्यक्षता कर रही थी, कि बोलने चले गए थे, सब बंद कर दिए थे माइक वाइक, याद आया कुछ? तो कहानी याद करना है ऐसे। चलो, बनारस में जनता को सबसे पहले क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं, इसके बाद कौन सा क्या हो रहा है? चंपारण हो रहा है ना, चंपारण हो रहा है। अच्छा, चंपारण के बाद क्या हो रहा है याद करो, अहमदाबाद होगा, हमने बताया था ऐसे कुछ याद करना, चाक, ये आ का मंत्र है तो आ आएगा। फिर क्या हो रहा है? फिर खेड़ा हो रहा है। अच्छा, खेड़ा के बाद क्या होगा? फिर देखो, खेड़ा के बाद देश बाद वाली स्थिति पर आते हैं। खेड़ा के बाद फिर क्या हुआ भाई? खिलाफत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है, तुर्की के खलीफा को क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, सबको नोट्स दिया गया है, सब लोगों को उठना पर आते हैं। फिर क्या शुरू हो जाएगा? असहयोग शुरू हो जाएगा। असहयोग देखो, असहयोग बंद कैसे हो रहा है? चौरी चौरा हो रहा ना, तो याद रखना कि चौरा चौरी हो रहा है। हाँ, इसका डेट कम से कम 8 का याद रहे भाई, 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, हैं? समाप्ति की घोषणा हो रही। अब देखो ये बताओ कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन समाप्त होगा कि पहले चौरी चौरा होगा? पहले चौरी चौरा होगा, उसी के विरोध में गांधी जी क्या कर रहे हैं 12 फरवरी को, ध्यान रखना 5 फरवरी को हो रहा है, 12 फरवरी को बारदोली से एक प्रस्ताव निकाल रहे हैं और कह रहे हैं असहयोग आंदोलन आज के बाद बंद हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का व्यवस्था, तो यहाँ पर यह हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पर आते हैं, चौरी चौरा हो गया, गांधी जी कुछ दिन के लिए शांत हो जा रहे हैं, आप स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है, और स्वराज पार्टी की स्थापना हो कब रही है? 1923 में हो रही है। अब देखो, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए दुई आदमी का नाम बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा, एक बंधु, एक है देशबंधु। देशबंधु किसको कहते थे भाई? चित्तरंजन दास को, ये चित्तरंजन दास। और एक कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव थे, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी, असहयोग आंदोलन में वो इन्हीं की पत्नी थी। वो बहुत ज्यादा डीप, ऐसे चंपारण दे देगा, अहमदाबाद दे देगा, खेड़ा दे देगा, चौरी चौरा दे देगा, या असहयोग दे देगा, ये फंस जाओगे। इसलिए क्रोनोलॉजी सेट करिए अपने दिमाग को। तो स्वराज पार्टी आ रही है 23 में, 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बन रहे भाई? विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष ये बन रहे हैं विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो है सरदार पटेल के बड़े भाई हैं। एक बात ध्यान में और रखिएगा, सरदार पटेल जो थे वो क्या नाम है इनका? मोतीलाल नेहरू जो है परिवर्तनवादी हैं। ये शामिल हो रहे हैं स्वराज पार्टी में, लेकिन इनका लड़का गांधी जी का समर्थक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपरिवर्तनवादियों में शामिल थे, वो कहते थे नहीं पार्टी वार्टी नहीं बननी चाहिए, तो थोड़ा सा एक फैसला ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। अब देखो, मार्ले कौन है और मिंटो कौन? तो आगे वाला जो नाम है ये भारत सचिव, ये भारत सचिव, और मिंटो जो है ये क्या है? वायसराय। बात समझिए, ये पहला जो है भारत सचिव है और ये मिंटो जो है वायसराय। इसमें से एक पॉइंट आपको दिमाग में रहनी चाहिए, कौन सी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली की भारत में सबसे पहले शुरुआत कब हो रही है? 1909 में हो रही है। शायद मैंने इसकी थोड़ी बहुत कहानी सुनाई होगी आपको। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम, ये दोनों नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा, सुधार अधिनियम, ठीक है। मॉन्टेग्यू फिर कौन है भाई? ये भारत सचिव, और ये फिर से क्या है? बस ठीक है, क्या गया कि भैया 1919 के शासन अधिनियम को लागू होने के बाद प्रत्येक 10 वर्षों के बाद भारत में, यानी कि 10 साल के बाद, 1919 के 10 साल के बाद भारत में एक ब्रिटेन से प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। 1927 में क्या रहा है भारत में भाई? भारत में आ रहा है साइमन कमीशन। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, साइमन कमीशन का भारतीय विरोध कर रहे हैं, और ऐसा सवाल दो श्वेत कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखो, साइमन कमीशन जब भारत में आ रहा है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड इरविन।
कौन है? लाडेरो। और इरविन ने ये सुझाव दिया था कि भैया इस साइमन कमीशन में कोनो भारतीय जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक सौ देखें शुरुआती तौर पे मोदी ने किसका मुद्दा उठाया, शौचालय का, देखे ना, शौचालय के माध्यम से बीजेपी हर घर में पहुंची है। नहीं अरे शौचालय भवन निर्माण के माध्यम से, गलत मत लीजिए भाई। तो मतलब इसके माध्यम से साइमन कमीशन के बाद क्या हो रहा है भाई, गोलमेज राउंड टेबल मतलब गोलमेज है। अच्छा, इसको गोलमेज सम्मेलन कहे कहते हैं, जान रहे हो? दरअसल बात यह होती थी कि एक मेज जो गोल है और इसके किनारे ढेर सारे लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और इस पर चर्चा की जाएगी किसी मुद्दे पर। और तीन हो रहे हैं, कौन कौन? 30 में 31 में और 32 में, है ना। अच्छा देखो, गोलमेज सम्मेलन एक करवा रहे हैं, उसके पहले पहले भारत में क्या शुरू हो जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हो रही है, दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब शुरू हो रहा है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ यह आंदोलन। अलग अलग किताबों में अलग अलग किलोमीटर लिखा हुआ है इसका, कहीं पर लिखा हुआ है लगभग कितना किलोमीटर है भाई, 390। अभी डाटा में दिया था भारत सरकार, नहीं 72 नहीं है, 72 कांग्रेस की पहली स्थापना में, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हो रहा है उसमें 72 है, ठीक है। अच्छा, इसमें महिला भी थी एक, कौन थी भाई? हाँ, इसमें महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की एक बार मैंने कहानी सुनाई थी आप लोगों को, याद है? खत्म हो रहा है, जैसे दांडी मार्च खत्म हो रहा है, गांधी जी को धर लिया जाता है, कहाँ जेल दिया जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, पुणे में जा रहे हैं, पुणे में कौन है जेल में, यरवदा में। और गांधी जी यहाँ जा रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं तो हम मंदिर में आ गए हैं, बड़ी बढ़िया जगह भेजे हो,